व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने हांगकांग, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और भारत चीन सीमा समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों में चीन की बढ़ती आक्रामकता पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बीजिंग के साथ सैनिक तनाव के दौरान अमेरिका नई दिल्ली के साथ खड़ा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान अमेरिका भारत सुरक्षा के सभी पहलुओं और रक्षा सहयोग को मजबूत किया है। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी और भारत चीन सीमा समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों में चीन की बढ़ती आक्रामकता पर हम बहुत चिंतित हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 6-7 महीने से सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये के दौरान हम भारत के साथ खड़े रहे हैं। हमने भारत को उपकरण मुहैया कराए हैं। हम भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। चीन के सामने खड़ा होने के लिए हमने भारत को नैतिक समर्थन दिया है और ये तय किया है कि हालात का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाए। मई की शुरुआत से ही भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में सीमा पर तनाव चल रहा है। भारत और चीन के बीच आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल पर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। चीन के साथ सीमा पर तनाव के दौरान भारत के समर्थन में अमेरिका ने 2 MQ-9 मानव रहित ड्रोन भी मुहैया कराए थे। अब इसकी बिक्री को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि अमेरिका LAC के पास भारतीय सेना को ठंड से बचने के लिए पोशाक और जरूरी सामान मुहैया कराएगा। अमेरिका ने देश हित को देखते हुए कुछ अपवादों को छोड़कर जनवरी 2018 में पाकिस्तान को डिफेंस सेक्टर में दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी है। अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान से हमें सहयोग भी मिल रहा है। हम लोग पाकिस्तान के साथ काम करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि तालिबान के साथ बातचीत में पाकिस्तान मदद करता रहेगा। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।